हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हम दुबे और आप देख रहे हैं हम फोटो एडिटिंग चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विजय माझी के इस कॉन्सेप्ट में एडिटिंग। तो इसमें मतलब हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना अगर आप लोग को ऐसे एडिट करना अपनी फोटो। तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी में मतलब एक पोल डाला था, उसमें से मतलब आप लोग को पूछा था कि विजय माझी के ओल्ड टॉपिक में भी वीडियो लाना चाहिए। तो आप लोगों ने आप लोग से मतलब कई भाइयों ने बोले थे कि हाँ भाई लाना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग के लिए ओल्ड टॉपिक में भी वीडियो लाऊंगा और जो न्यू टॉपिक रहेंगे जो भी न्यू कॉन्सेप्ट वो अपलोड करते हैं तो उसमें भी वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साइड का बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा मैं विजय माझी के कॉन्सेप्ट में भी और अपने भी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप लोग को ऐसी एडिट करना अपनी फोटो। तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक करते हो बहुत ही अच्छा लगता है, प्लीज लाइक कर दिया करो यार वीडियो को। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, फोटो एडिट करने के लिए जो भी पोज अच्छा लगता है वैसे फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, ठीक है। जैसे मतलब क्या है ना कि आप लोग को विजय माझी के जैसे पोज अच्छा लगता है तो वैसे क्लिक करवा लीजिएगा, या फिर इस मॉडल के जैसे भी आप लोग को फोटो क्लिक करवाना है तो आप लोग ऐसे क्लिक करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को फोटो दे दूंगा, आप लोग देख के कर लीजिएगा क्लिक। और फिर आने आप लोग को इस बैकग्राउंड की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेना है और फिर यहां से कर लेना है इसे शेयर अपने पिक्सार्ट ऐप में। इसके बाद क्या करना है आप लोग को बता देता हूं मैं। तो ये आ चुके हैं आप लोग, तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग पिक्सार्ट ऐप में। इसके बाद क्या करना है आप लोग, यहाँ पे टूल्स में आके रिसाइज जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया हूँ। और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद आप लोग क्या है ड्रॉ टूल में भी यूज़ कर लीजिएगा, मतलब अच्छी क्वालिटी में एडिट होती है। पर यहाँ पे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हम लोग। यहाँ पे पहले से मैंने यानी बैकग्राउंड यहाँ पे इरेज करके रख लिया था, आप लोग को मालूम है कि कैसे इरेज करते हैं। अगर आप लोग को नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है आप लोग को ऐसे ऐड कर लेना है, आप लोग ड्रॉ टूल में भी कर लीजिएगा, मतलब अगर आप लोग बन जाएगा अच्छे से तो ठीक है, क्योंकि मतलब ड्रॉ टूल में अच्छी एडिटिंग होती है। पर यहाँ पे वीडियो को मतलब बताने के लिए, मतलब अच्छे से बताने के लिए आप लोग को इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं, ऐसे ऐड कर लेना है आप लोग को अपने मॉडल को, और इसके बाद आप लोग को ऐड फोटो में फिर से जाना है और एक PNG मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है। तो बहुत ही सारी मतलब PNG हैं, ठीक है, आप लोग देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे एक वाटर की PNG मिल जाएगी यहाँ पे, तो देखो स्प्लैश की PNG, वाटर स्प्लैश की, तो बहुत ही बढ़िया PNG है, ये देख सकते हो। तो कुछ स्टेप्स ऐसे रोटेट करके आप लोग को ऐसे लगा लेना है अपने अकॉर्डिंग करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लगाया हूँ, और इसके बाद आप लोग को इसे कर लेना है डबल, ठीक है। सॉरी एक मिनट, इरेज कर लिया मैंने, यहाँ पे डबल कर लेना है इसे, आप लोग को मालूम है कि कैसे करते हैं डबल, ठीक है। और यहाँ पे फिर इरेज कर लीजिएगा नीचे के साइड से, थोड़ा हम लोग इरेज करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पानी नहीं आएगा, ठीक है, शायद आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। पर हम लोग तो पहले मतलब लगा लेते हैं PNG, ठीक है। तो यहाँ कुछ स्टेप से मैंने यहाँ पर लगाया हूँ, ओके। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को कर लेना है, अगर नीचे भी करना है तो आप लोग कर सकते हो, रेज नहीं करना है तो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक PNG और मिल जाएगी आप लोग को, उसे भी ऐड करना है आप लोग को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी PNG है वो, तो ये है मतलब डॉट डॉट सी रहेगी, सॉरी यहाँ पे जो PNG है ना वो आगे पीछे होने लगी है, वाली PNG को हटा देते हैं। तो ये है डॉट डॉट सी, मतलब ये वाटर की है, ठीक है। तो कुछ स्टेप से इसे लगा लीजिएगा, और यहाँ पे अगर आपके फेस में आ रहा है तो आप लोग रेस कर सकते हो, या फिर रहना है मतलब रखना है तो आप लोग रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कर लेता हूँ डन, क्योंकि ज़्यादा PNG ऐड करेंगे ना तो मतलब हमारी PNG खुद मतलब आगे पीछे होने लगी, फिर एडिटिंग में मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको जाना है अपने ऐड फोटो में, ठीक है, और ये PNG ले लीजिएगा, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स की है तो ये ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, कुछ स्टेप से लगा लेना है नीचे के साइड में, और यहाँ पे रेजर में जाके इसे कर लेना है रेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप से मैंने रेस कर लिया हूँ, और अगर आप लोग को इसे डबल करना है तो आप लोग डबल कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा लूँगा, मतलब थोड़े से जूते में आ रही है हमारे, ठीक है। और उसके बाद इसे भी डबल कर लेते हैं, या नीचे के साइड में और लगा देते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कर लेना है आप लोग को, और उसके बाद आप लोग को और भी एडजस्टमेंट करना है तो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, जो भी मैंने कर लिया हूँ अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे टूल्स में आना है, ठीक है, और टूल्स में आके आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है आप लोग को अपने एडजस्ट में, और यहाँ पे डॉज एंड बर्न इफेक्ट आप लोग अप्लाई करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पे कुछ स्टेप्स, मैं पहले तो ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, और पहले तो मैं शैडो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे रेजर में जाके यहाँ पे क्लियर ऑल करके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा शैडो को क्रिएट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, और मतलब अच्छा लगने चाहिए हमारी फ़ोटो, थोड़ी सी रियलिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हम लोग कर लेते हैं, और ये मैंने कर लिया हूँ, और भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे साइज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा डन, ठीक है। डन करने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पे टूल्स में जाइएगा, और यहाँ पे आप लोग को एडजस्ट में जाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा के यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा डॉज एंड बर्न इफेक्ट अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके लिए एक तो वीडियो बनाया था, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप लोग को मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो, ठीक है, देख लीजिएगा। और अगर नहीं दे पाऊंगा तो आप लोग को आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, जहाँ पे भी, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से मैंने कर लिया हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा आप लोग कर लेना है। अगर आप लोग को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हैं मतलब अच्छा लगने लगा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग डन, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कर लेना है डन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आप लोग को और एडजस्टमेंट करना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा यहाँ पे ड्रॉ टूल में जाके, सॉरी। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर लेना है सेव अपनी फ़ोटो को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है फ़ोटो। इसके बाद यहाँ से चले आना आप लोग को अपने लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी लाइटरूम ऐप में। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है अपने इस आइकॉन में, और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ कॉन्ट्रास्ट को कर लेना है थोड़ा कम, हाईलाइट्स को बढ़ा लेना है, और इसके बाद शेडोज़ को आप लोग को बढ़ा लेना है, फिर वाइट्स को बढ़ा लेना है, ब्लैक को कर लेना है कम। यहाँ पे जाना है आइकॉन में, यहाँ पे मिक्स में क्लिक करके थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब ख़राब कलर हैं जो मतलब है ही नहीं यहाँ पे, तो उनका हम लोग सैचुरेशन यहाँ पे कम कर लेते हैं, तो ब्लू का भी कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब ख़राब नहीं है, मतलब यहाँ पे जो नहीं है वो मतलब समझ सकते हो ना आप लोग, ठीक है। तो उस टाइप से मैंने कर लिया, क्योंकि कई भाई मुझे बोलेंगे कि यार ख़राब कलर तो ही ना है वो, तो मतलब ऐसे ही बोल दिया था मैंने गलती से, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप से मैंने कर लिया हूँ, तो देख सकते हैं मतलब अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, मतलब जो जो मतलब दूसरे कलर से वो हट गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेना है डन। और यहाँ पे आप लोग ज़्यादा है तो वाइब्रेंस बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को एक और कर लेना है यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, टेम्प को। तो यहाँ पे आप लोग को फिर भी प्लस कर देना है थोड़ा सा, फिर भी 8 कर लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे जाना है साइकोन में, टेक्सचर बढ़ा लेना है, और क्लियरिटी को बढ़ा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे विग्नेट इफेक्ट थोड़ा सा कम करके आप लोग को फेदर को बढ़ा लेना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन अमाउंट बढ़ा के यहाँ पे आप लोग को जाना है शार्पनेसिंग को यहाँ पे बढ़ा लेना है, और यहाँ पे शेयर करके अपनी फोटो को कर लेना है सेव। यहाँ पे हमारी फोटो हो चुकी है एडिट। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमारा वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।